है दांत का उल्टा चश्मा। सर सर। अरे जानी आओ आओ। सर हाउ वाज योर मीटिंग? मीटिंग वाज हेक्टिक बट फाइन। ओके सर, मेहता सर अभी कैसे हैं? अच्छा है, देखा मैंने उसको, वाकई उसकी टांग पे मोच आया और मुझे देखकर ना खुश हो गया बेचारा। मैंने कहा था ना सर, आपको उन्हें देखने जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा मैत्ते को मिलकर, पर मैत्ते की सोसाइटी के लोग बड़े अजीब हैं, अजीब वो गरीब रूल बना के बैठे हैं भाई। मुझे सोडा पिलाया, फिर मुझे समोसा खिलाया, कचौड़ी खिलाया, क्रिकेट तक खिलाया, लेकिन अल्टीमेटली मैं मैत्ते को मिला और उसको मिला। ओके भाई देखो, मैत्ता हमारी कंपनी के लिए काम करता है, हमारा एम्प्लॉय, और अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, फर्ज है, वो आज मैंने पूरा किया ना, वेरी हैप्पी। सर आपको पता है, आज आप मेहता सर से मिलने गए तो ऑफिस में सबके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। रियली? यस सर, आप अपने एम्प्लॉय को परिवार जैसे जो रखते हो। हाँ, वो तो है। थैंक यू सर, यू आर सच अ गुड बॉस। I am really humbled. अच्छा अच्छा जैनी, वो जो मैंने बोला था ना कि फाइलों का लॉट तैयार करके रखो, वो रेडी कर दो लॉट। वैसे आज मैंने मैत्रे के घर पे जाके एक काम तो बड़ा अच्छा किया। आज के बाद हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जब बीमारी का बहाना करके घर पे बैठेगा, उसके मन में डर के पटाखे फूटते रहेंगे, कहीं बॉस ना आ जावे, कहीं बॉस ना आ जावे। अंजलि, मैं दो दिन तक इसी तरह से मसालेदार खाना खाऊंगा और मिठाई खाऊंगा। दो दिन आपको ऑफिस की छुट्टी है, डाइट फूड से नहीं। अंजलि, हम वहाँ घूमने जाएंगे तो मैं डाइट फूड खाऊंगा क्या? Oh, come on, अंजलि भाभी, तो बाहर जाएंगे तो बाहर के खाने का मजा लेना चाहिए। सही बात। ठीक है, हम लोग इतने टाइम बाद बाहर जा रहे हैं तो डाइट फूड से भी छुट्टी। थैंक यू अंजलि, आई लव यू सो मच। भाई इस मोच ने तो बहुत मौज करवा दी, एक साथ दो दो छुट्टी मिल गई, ऑफिस के काम से भी छुट्टी मिल गई और डाइट फूड से भी छुट्टी मिल गई। बोलो। कहीं आपके बॉस वापस तो नहीं आ गए? हाँ भाई, मेरे बॉस का कोई भरोसा नहीं है, आ सकते हैं। तारा कब? पहले जल्दी से अंदर जाइए, दुपट्टा बांधिए। हाँ, मुझे भी छुपना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ। जी मैं तारक मेहता जी के बॉस का ड्राइवर। वो हमारे सोसाइटी के लोग तारक का हालचाल पूछने आए हैं। अच्छा। कुछ काम था? जी वो मैं ये फाइल देने आया था, आप मेहता सर को बोलिएगा कि ये फाइल खोल के देखिए बॉस। लाइए, मैं उन्हें दे दूँ। थैंक यू। हाँ मेहता साहब, जनरल आ जाओ बाहर। तारक आ जाइए। कौन था? हाँ कौन था? आपके बॉस के ड्राइवर थे, उन्होंने ये फाइल भेजी आपके लिए। मेहते, मुझे पता है तू दो दिन ऑफिस को बहुत मिस करेगा, तू घर बैठे बैठे कहीं बोर्ड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा काम है, ये फाइलें आज रात तक चेक कर देना, कल सुबह दूसरा फाइलों का लॉट निकलवा देगा, जब तक तू लौट के आता है तू लगा दे। अरे बॉस ने बोला है कि दो दिन तक घर से ही ऑफिस का काम करना पड़ेगा। तो मतलब अब हम घूमने नहीं जाएंगे? नहीं अंजलि, नहीं जा पाएंगे, अब यही काम करना पड़ेगा। देखा, ये होती है नौकरी करने वाले की जिंदगी, हम दो पल बिना काम के रहे ना, बॉस को अच्छा नहीं लगता। ये तो गलत बात है मेहता साहब, अब नकारात्मक मत सोचो भाई, हकारात्मक सोचो। अरे जेठालाल, हकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक होता है। हाँ हाँ, सकारात्मक।
और सकारात्मक ये कि एक तो आपकी नौकरी बच गई और दूसरा पूरे दो दिन आपको अंजलि भाभी के साथ समय बिताने का समय मिल गया। हाँ जेठा, ये बात तो सच है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मेरे गोकुलधाम परिवार की वजह से। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी जा विजय स्वामी।